आज ऐसा माहौल है हिंदुस्तान का, आप देखिए हिंदुस्तान का ऐसा माहौल है कि हर गलियां, हर रोड, हर जगह बेटियां लाचार हैं। और मैं पूछता हूं कहां गए वो लोग जो कहते हैं हाँ हम चौकीदार हैं। चौकीदार आज दिख ही नहीं रहे हैं, कोई सपोर्ट में नहीं बोल रहा है। सिर्फ और हिंदू मुस्लिम रिलीजन कास्ट इसी की पॉलिटिक्स हो रही है हिंदुस्तान में। जो जेन्युइन हमारे यहाँ की जो अभी आप देखें रेप केसेस बढ़ रहे हैं, दिन ब दिन बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ते जा रहा है। अभी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की अभी रिपोर्ट है जो अभी केसेस जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा केसेस इस साल में हुए हैं। तो मतलब ये रामराज्य वाकई में ये रामराज्य है क्या? ऐसा रामराज हुआ करता था? और आप देखिए कोई प्रशासन का कोई एक आदमी इसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहा है। रूलिंग पार्टी कहीं कोई आवाज़ नहीं उठा रही है। मीडिया हमारी गोदी मीडिया है जिसे मैं कहता हूँ। मीडिया क्या काम कर रही है? खाली नफरतें फैला रही है लोगों के बीच में। सारे ये आपके देखिए जितने मीडिया वाले हैं खाली हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं, ना शिक्षा पे बात कर रहे हैं, ना बेरोज़गारी पे बात कर रहे हैं, ना कोरोना अभी चल रहा है कोविड-19, ना उस पे कोई बहस चल रही है। अच्छा, सबसे ज़्यादा राइट्स अगर हम इंडियन सिटीज़न हैं तो हर इंडिविजुअल का अपना अपना राइट्स है, हर किसी को दिया गया। अब आप ये बताइए कि सारा राइट्स क्या कंगना रनावत को दिया गया है? सारा राइट्स क्या सुशांत सिंह राजपूत को दिया गया है? सारे राइट्स क्या बड़े बड़े हस्तियों को, बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार को दिया गया है? क्या दलित एक इंसान नहीं है? वो इंडियन सिटीज़न नहीं थी, उसको कोई राइट्स नहीं है क्या? और जितने लोग यहाँ नीचे तबके के हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन के हैं, वीकर सेक्शन के हैं, जो हर जगह दबे कुचलाए जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, एसिड अटैक हो रहे हैं, रेप केसेस हो रहे हैं, मतलब सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट वुमेन दिन ब दिन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, क्या इनके राइट्स नहीं हैं? तो मैं सीधा सीधा आपके माध्यम से मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा या उन तक मैं अपनी बात पहुँचाना चाहूँगा कि इस देश में चल क्या रहा है। मतलब शासन प्रशासन का कुछ पता ही नहीं है, एनआरकी है, पूरा एनआरकिज्म है, लॉ एंड ऑर्डर का कुछ पता ही नहीं है। तो मैं गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा सीधा सीधा जहाँ भी कुछ ऐसी हरकतें हुई हैं जहाँ भी वो सख्त सख्त कार्रवाई करें। और मेरा सबसे ज़्यादा यकीन जो है वो जुडिशरी पर, जिसे हम जानते हैं कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमारा संविधान जिसके पिलर्स हैं डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक जिसको हम बोलते हैं, वो अगर आप हाथरस में केस देख रहे हैं उस लड़की की हड्डी नहीं टूटी है, संविधान का एक पिलर टूटा है। किसी लड़की के साथ रेप हो रहा है मतलब हिंदुस्तान के साथ गलत हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, मतलब दर अफसोस की बात है ये हम लोगों के लिए कि हम आज हिंदुस्तान में खड़े होकर हम कहते हैं वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वी लिव इन अ रिपब्लिक कंट्री, सेकुलर कंट्री, लेकिन ऐसा कुछ हकीकतन कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं बस मुझे जो सबसे ज़्यादा उम्मीद है वो जुडिशरी से है। और जितने केसेस हुए हैं मैं तो पहले गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगा कि कोई बिल पास करें, कोई एक्ट बनाएं हमारी बहनों के लिए, हमारे माओं के लिए, क्योंकि हम अगर इस सरजमी पर हैं, इस दुनिया में हैं, तो आज अपनी किसी एक औरत नहीं हमें जना है तो आज हम यहाँ, और उन्हीं औरतों को एक हम मांस का टुकड़ा समझ के आज सोसाइटी में जिस तरह लोग नोच रहे हैं, घसोट रहे हैं, क्या मतलब ये शर्म से डूबने वाली बात नहीं है? तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जितने केसेस आ रहे हैं वुमेंस के अगेंस्ट में आ रहे हैं, रेप के अगेंस्ट में आ रहे हैं, इनका सबसे पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनकी कार्रवाई होनी चाहिए और विद इन अ 6 मंथ और 3 मंथ इनको जो है फैसला सुनाना चाहिए। और इसकी सज़ा सिर्फ और सिर्फ फांसी है, रेपिस्ट की सज़ा फांसी है।